प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थियों को यूपीपीएससी के गेट से हटा दिया गया है। इस दौरान पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली और पुलिस ने कई अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने अभ्यर्थियों को रोकने के लिए यूपीपीएससी के गेट पर बैरिकेडिंग भी कर दी है और मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। छात्र यूपीपीएससी गेट से हटकर अब थोड़ी दूर हंगामा कर रहे हैं। तो ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गेट से इन छात्रों को हटा दिया गया है और इस दौरान पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली। दरअसल आज चौथा दिन है अभ्यर्थियों के प्रदर्शन का, लेकिन आज सुबह की स्थिति थोड़ी अलग देखने को मिली जब इन अभ्यर्थियों को यहाँ गेट से हटा दिया गया। इस दौरान पुलिस और अभ्यर्थी आमने सामने आ गए, जमकर नोकझोंक देखने को मिली और पुलिस ने कई अभ्यर्थियों को हिरासत में भी लिया है। अभ्यर्थियों को रोकने के लिए यूपीपीएससी के गेट पर बैरिकेडिंग भी लगा दी गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जगह जगह बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। मौके पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है और छात्र यूपीपीएससी गेट से हटकर अब थोड़ी दूर पर हंगामा कर रहे हैं। तो अभ्यर्थियों को प्रदर्शन के दौरान संवाददाता विशाल अग्वंशी ने डीसीपी अभिषेक भारती से बातचीत की है, उनका क्या कहना था सुनवाते हैं आप। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के दफ्तर के ठीक बाहर तमाम छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और आज सुबह उन छात्रों को हटाया गया। हमारे साथ इस वक्त अभिषेक भारती जी, उनसे बात करते हैं। अभिषेक जी, किस इनपुट के आधार पर उनको छात्रों को हटाया गया है? देखिए, लोक सेवा आयोग के समक्ष जो है छात्र शांतिपूर्वक अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो अभी भी वहीं पे बैठे हैं। 50-60 की संख्या में छात्र अभी भी बैठे हुए हैं लोक सेवा आयोग के समक्ष में। इन छात्रों के बीच में कुछ अराजक तत्व व आपराधिक तत्व सम्मिलित हो गए थे, जो छात्रों को भड़काने का कार्य व शासन प्रशासन से बात करने से रोकने का कार्य कर रहे थे। उनको चिन्हित कर उनके विरुद्ध में विधिक कार्रवाई की जा रही है। कितने लोगों को डिटेन किया गया है, कुछ संख्या बता सकते हैं? तीन चार लोगों को जो है पूछताछ के लिए ले जाया गया, उनके विरुद्ध में विधिक कार्रवाई की जाएगी। अब चूंकि छात्र जो है जो तमाम वहां पे चौराहे पर भी इकट्ठा हो गए हैं, तो ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, कानून व्यवस्था बनी रहे? देखिए, यहाँ पे लोक सेवा आयोग के समक्ष आप देख रहे हैं बैरिकेडिंग की व्यवस्था है और पर्याप्त सुरक्षा बल व महिला सुरक्षा बल भी मौजूद है। सभी छात्रों से शांतिपूर्वक अनुरोध किया जा रहा है कि वो अपना जो धरना है उसको चिन्हित धरना स्थल पर जो है शिफ्ट करें और वहाँ पे अगर उनको जारी रखना है तो उसको वहाँ पे जारी रखें। आखिरी सवाल सर, ये चूंकि हम देख पा रहे हैं तमाम छात्र चौराहे पर हैं, तो उनको क्या हटाया जाएगा, इस तरह कोई आदेश है? सभी छात्रों से अनुरोध किया जा रहा है कि वो शांतिपूर्वक अपना जो धरना है उसको धरना स्थल पर ले जाएं और वहाँ पे कंटिन्यू करें। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो अभिषेक भारती जी हैं और सीए तौर पर उनका कहना है कि यहाँ पर जो है तमाम छात्रों के लिए बैरिकेडिंग जो है वो कर दी गई है और इसके साथ साथ सभी को जो है यहाँ से जो है हटाया जाएगा। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुबह जो तमाम छात्रों को हटाया गया है उनमें से ये इनपुट इनको मिला था कि कुछ ऐसे जो आपराधिक तत्व हैं वो इस धरने में शामिल हो गए हैं, जिसके बाद इस तरह का एक्शन लिया गया है। कैमरामैन रामबाला साहब, विशाल अग्वंशी, जी मीडिया, प्रयागराज। और चलिए इस वक्त सीधे रुख करेंगे प्रयागराज का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल अग्वंशी इस वक्त जुड़ गए। विशाल, अभ्यर्थियों के प्रदर्शन का आज चौथा दिन है, फिलहाल मौके पर क्या स्थिति देख पा रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल, जो प्रदर्शनकारी हैं छात्र हैं वो इस वक्त आप देख सकते हैं कि बैरिकेटिंग की उस तरफ है। हालांकि इसके साथ साथ मैं आपको एक तस्वीर और दिखा देता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो मुख्य गेट द्वार था, जहां पर अभी जो है कुछ आपको छात्र दिखाई पड़ेंगे। देखिए, सामने की तरफ की मैं तस्वीर आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पर भी आपको कुछ छात्र दिखाई पड़ेंगे। यहीं से ही तमाम छात्रों को हटाया गया था, जो जिसके बाद वो सब तमाम छात्र जो है वो चौराहे पर इकट्ठा हो गए हैं। इसके साथ साथ अब इस इलाके को पूरी तरह से बैरिकेड कर दिया गया है, दो लेयर की बैरिकेटिंग की गई है। देखिए, एक पहला जो गेट नंबर 4 है उसके सामने ये बैरिकेटिंग की गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पुलिस के बल जो है उसको तैनात किया गया है। इसके साथ साथ अब देखिए दूसरा जो पहला जो मेन फ्रंट है वो देखिए आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है भारी पुलिस बल जो है वो आपको यहाँ पर तैनात दिखाई पड़ेगा। इसके साथ साथ देखिए टीयर गैस की भी पूरी व्यवस्था की गई है कि टीयर गैस अगर जरूरत पड़नी पड़ती है और भीड़ को तितर बितर करना होता है उसके लिए टीयर गैस की भी व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की गई है, ताकि टीयर गैस जो है वो चलाई जा सके और पूरी तरह से भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। अब देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं कि सामने की तरफ आप तस्वीरें देखेंगे तो ये जो तस्वीरें हैं ये इस वक्त प्रयागराज के लोक सेवा आयोग के दफ्तर के ठीक सामने के चौराहे की तस्वीरें हैं, जहां से प्रदर्शनकारियों को हटाया गया गेट के सामने से। तो अब वो लोग चौराहे पर पहुंच गए हैं और देखिए आप तमाम छात्र जो है वो इकट्ठा होते चले जा रहे हैं, तो ये फिलहाल कह सकते हैं। इसके साथ साथ जो अभिषेक भारती हैं, जो डीसीपी सिटी हैं, उनका कहना है कि भीड़ में कुछ ऐसे आपराधिक तत्व आ गए थे जिनको चिन्हित किया जा रहा था और उसी के आधार पर 3 से 4 लोग को चिन्हित किया गया है और सभी को ये कहा गया है कि जो है सभी के बारे में
पता लगाया जा रहा है, उनको डिटेन करके उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके साथ साथ प्रदर्शन की आड़ में तमाम जो सामाजिक तत्व ना आ जाए इसको लेकर भी पुलिस ने अपने इंतजाम किए हैं। इसके साथ साथ देखिए आपको मैं तस्वीरें दिखाता हूँ कि ये देखिए आप तस्वीरें देख सकते हैं कि इस वक्त पुलिस बल जो है वो यहाँ पर तैनात है, बैरिकेड्स कर दिया गया है, भारी पुलिस बल जो है तैनात कर दिया गया है। सामने की तरफ चौराहा जो है वो जो है आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से छात्र जो है वहाँ पर आ चुके हैं, और चूंकि जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे ही जो है यहाँ पर भीड़ और बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है उसको लेकर पूरी तैयारी जो है वो की जा रही है। इसके साथ साथ ड्रोन कैमरे से भी नज़र रखी जा रही है, बाकायदा जो ड्रोन कैमरे उन पर जो है अधिकारियों से लगातार जो है बातचीत की जा रही है। आप देख सकते हैं कि अधिकारी लगातार बातचीत कर रहे हैं और कैसे क्या यहाँ पर जो है सबका सोल्यूशन निकाला जा सकता है इसको लेकर जो है पूरी तैयारी कर रहे हैं। बैरिकेटिंग पूरी तरह से कर दी गई है टाइट। इसके साथ साथ सामने की तरफ आप देख सकते हैं ब्रज वाहन जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे, ब्रज वाहन जो है उनको रखा गया है। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो ये सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो वो पूरा जो चौराहा है क्योंकि अभी रूट जो है डाइवर्ट नहीं किया गया है, तो ऐसे में ये उम्मीद लगाई जा रही है कि हो सकता है कि आधे घंटे के बाद इस पूरे रूट को ब्लॉक कर दिया जाएगा ताकि कोई भी अंदर ना आ सके। तो फिलहाल ये चौराहा बिल्कुल विशाल, ये पूरा पैक्ड चौराहा इस वक्त नजर आ रहा है, पुलिस का सख्त पहरा है। और अगर आपके आसपास कोई अधिकारी इस वक्त मौजूद हो तो जरा उनसे भी बातचीत करवाइए। नहीं देखिए बिल्कुल अधिकारी तो हैं जरूर, लेकिन चूंकि मामला जो है थोड़ा सा गंभीर है इस वजह से तमाम अधिकारी अभी बातचीत कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। और आपको मैं देखिए तस्वीरें दिखाता हूं क्योंकि यहां पर तस्वीरें देखना बेहद ज़रूरी है कि तमाम जो छात्र हैं उनकी जो भीड़ की जो तस्वीरें हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। तमाम जो छात्र हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और लगातार बार बार जो है ये मांग कर रहे हैं कि नॉमिनेशन जो है उसको किया जाए। और देखिए आप संख्या जो है उसमें वृद्धि होती चली आ रही है लगातार, और हम आपको तस्वीरें इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि देखना और समझना बेहद ज़रूरी है क्योंकि ये संख्या जो है अभी और बढ़ेगी। मतलब अगर आप नज़र लगाएंगे तो आधे से एक घंटे के बाद इस चौराहे के जो अगला चौराहा है वहाँ तक जो है छात्र पहुँच जाएंगे, तो इसलिए शायद इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने बैरिकेड किया है। और आप देख सकते हैं कि पुलिस के जवान, महिला पुलिस इसके साथ साथ जो टीयर गैस है वो इसके साथ साथ देखिए अनाउंसमेंट के लिए बाकायदा यहाँ पर जो है स्पीकर लगाया गया है, अनाउंसमेंट जो है इससे की जा रही है अगर छात्र आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ देखिए वो सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो देखिए एक तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करते हैं, देखिए सामने की तरफ भी कुछ छात्र आपको गेट के सामने दिखाई पड़ेंगे, तो वो भी एक जो तस्वीर है वो तस्वीर आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो गेट नंबर 3 है उसके सामने के भी पे भी जो है कुछ छात्र जो है वो बैठे हुए हैं, और इसके साथ साथ वहाँ पे भी बैरिकेटिंग कर दी गई है। मतलब ना अंदर जा सकता है कोई आदमी और ना ही इस बैरिकेड को जो है तोड़ेगा। इसके लिए विशाल जो प्रॉपर व्यवस्था है वो की गई है, कैमरे जो है वो जो ड्रोन कैमरे हैं उनसे भी नज़र रखी जा रही है, चारों तरफ पूरे इलाके में ड्रोन कैमरे से नज़र रखी जा रही है, पूरी तैयारी की जा रही है, अधिकारी जो है वो मौके पर मौजूद हैं, एक एक चीज़ों की जो है जानकारियां ले रहे हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए आप वो देख सकते हैं कि ये देखिए भीड़ जो है वो आपको यहाँ पर पैमाना दिखाई पड़ेगा कि लगातार यहाँ पर संख्या में वृद्धि हो रही है। तो ये फिलहाल तस्वीरें जो है बिल्कुल विशाल, और आयोग के अपने नियम है, छात्रों की अपनी दलीलें हैं, अपने तर्क हैं, समस्या का समाधान निकलेगा कैसे, ठीक है वापस आऊंगी आपके पास। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, वो जल्दी से अपने दर्शकों को बता देते हैं। अभ्यर्थी प्रदर्शन में बड़ा खुलासा हुआ है, प्रयागराज से बड़ी खबर मिल रही है, अभ्यर्थियों के बीच घुसे थे अराजक तत्व, ये बड़ी बात सामने आई है। पुलिस ने 3 से 4 लोगों को हिरासत में लिया है, पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है, छात्रों को भड़काने की कर रहे थे कोशिश, प्रशासन के बातचीत करने से रोक रहे थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि भीड़ की आड़ में लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही थी, छात्रों को भड़काने की कुछ लोग कोशिश कर रहे थे, जिन्हें डिटेन कर लिया गया है, 3 से 4 लोगों को हिरासत में पुलिस ने लिया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल लगातार बने हुए हैं। विशाल, असामाजिक तत्व भी घुसने की कोशिश कर रहे थे, भड़काने की कोशिश हो रही थी, जिनको डिटेन कर लिया गया है? देखिए बिल्कुल, जैसा कि हमने अभी कुछ देर पहले DCP सिटी से बातचीत की थी तो उन्होंने ये कहा कि असामाजिक तत्व जो है घुस गए थे। इसके साथ मैं देखिए अपडेट दे देता हूँ कि अनाउंसमेंट जो है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है। हम कुछ चाहेंगे कि तस्वीरें जो हैं वो हमारे सहयोगी दिखाएं, और अनाउंसमेंट लगातार की जा रही है। अब दे सकते हैं कि यहाँ पर लगातार जो है समझाने की कोशिश की जा रही है, पुलिस की तरफ से बातचीत करी जा रही है। ब्लू शर्ट आप, मैं आपकी बात अलग से सुनूंगा, आप इधर आ जाना मेरी साइड, मेरे साथ एक घंटा बैठ लो, कोई दिक्कत नहीं, बट शांतिपूर्वक बात सुनो, रुको,
गुस्सा मत हो यार, गुस्सा होने फुल ना कुछ शांत हो। सभी छात्र जितने भी यहाँ पे हमारे सामने हैं सभी कभी ना कभी मेरे से मिलते रहे हैं। 8 महीने पहले जो धरना प्रदर्शन हुआ था उसमें भी मेरे से मिले थे। आप सभी कई सारे लोग तो मुझे पहचान भी रहे हैं, कई सारे लोगों से मेरी अभी भी बात होती है, मेरे पास फोन नंबर है, अभी भी बात हो रही है। तो आप थोड़ा सा संयम रखें, मेरी बात आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर जो है समझाने की कोशिश की जा रही है, पुलिस के अधिकारियों की तरफ से छात्रों से जो है बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, लगातार जो है बातचीत है। आप पहले काम करिए, देखिए ऐसे वार्ता करना बड़ा मुश्किल है, ना मैं सबको देख पा रहा हूँ ना मैं किसी की बात सुन पा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर जो है अधिकारी जो है वो छात्रों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार जो है एक एक चीज़ों की बातचीत हो रही है। सीधे तौर पे कह सकते हैं बैठ जाइए, जैसे बैठे थे शांति तरीके से बात कर रहे हैं। अधिकारी पुलिस आला अधिकारी जो है वो इस वक्त लगातार बातचीत कर रहे हैं और पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो इस वक्त समझाने की कोशिश कर रहे हैं छात्रों को, ऐसे में जो है तमाम चीज़ों को लेकर जो है बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये देखिए आप तस्वीरें देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर जो है एक एक चीज़ की अनाउंसमेंट की जा रही है, सवाल लगातार जो है तमाम जो लोग हैं उनको जो है बैठाया जा रहा है कि वो लोग बैठ कर जो है बातचीत करें। तो सुलह का एक और प्रयास जो है वो समझौते का एक और प्रयास जो है वो किया जा रहा है, समझाने की कोशिश की जा रही है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि इस वक्त तस्वीरें प्रयागराज में है, तमाम जो यहाँ पर लोग हैं और तमाम जो छात्र हैं उनको जो है समझाने की कोशिश किया जा रहा है। देखिए लगातार जो है अनाउंसमेंट किया जा रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है फिलहाल सभी को समझाने की कोशिश एक एक चीज़ों पर की जा रही है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि लगातार जो है तमाम छात्रों से जो है बातचीत की जा रही है कि वो लोग जो है बातचीत जो है से हल निकालें। कोई लगातार आप देख सकते हैं कि तमाम जो छात्र हैं वो आपको यहाँ पर जो है दिखाई पड़ेंगे कि यहाँ पर जो है तमाम जो है। तो ये फिलहाल तस्वीरें हैं इस वक्त प्रयागराज की, जहाँ पर इस वक्त लगातार समझाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो लगातार यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार जो है तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं उनको बैठने के लिए कहा जा रहा है कि बैठ के शांति से बातचीत जो है। जो बात आप मुझे कहेंगे, जैसे आपके द्वारा कहा जा रहा है कि हम पुलिस से बात नहीं करें, भाई मैं भी तो जाके आपकी बात रखूंगा, ऐसा थोड़ी नहीं कि आप मैं बात सुनूंगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका विशाल हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो बातचीत का दौर अभी भी बेनतीजा ही दिख रहा है क्योंकि अधिकारी लगातार इन अभ्यर्थियों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। बहरहाल